मेरी बड़ी बहन प्रियंका चौधरी जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता में रखा और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी। इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विराजमानी आदरणीय हमीर सिंह जी भाई साहब और साथ ही हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब और हमारे बीच में विराजमान है हमारे चौटन के विधायक आदरणीय आदुराम जी बेगवाल साहब, दिल्ली से पधारे। के मैं मानती हूँ मुझे विधानसभा के चुनाव का वो बहुत अलग तरह का चुनाव था, क्योंकि कोई पार्टी का नाम नहीं था। हर पार्टी से, हर समाज से, हर जाति से, हर धर्म के लोगों ने मेरा मदद किया, मेरा सहयोग किया। आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सबको भी धन्यवाद देती हूँ। लेकिन आज जो वक्त है, आज एक निर्णय लेने का वक्त है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मुझसे बड़ा मेरा देश है, हर दल से बड़ा ये देश है। और देश अगर आज सुरक्षित है तो हम जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से प्रधानमंत्री बने हम जानते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले डर लगता था कहाँ बम फूटेगा, कहाँ आतंकवादी आ जाएंगे, लेकिन आज हम अगर सुरक्षित हैं और महसूस करते हैं, सुरक्षित ही महसूस नहीं करते बल्कि दूसरे देशों को हम मजबूती के साथ अपनी आंख दिखा सकते हैं और दूसरे देशों को चेतावनी और चैलेंज दे सकते हैं। तो इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गौरव होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गौरव होता है कि मैं एक महिला हूँ, क्योंकि महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, छोटी छोटी सी चीजें, एक शौचालय की बात, समस्या बहुत बड़ी है अगर महिलाओं की नजर से देखे तो, लेकिन किसने सोचा, बात कभी करते थे लेकिन काम करके किसने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आगे लाना है, बात सब करते हैं, बात तो सब करते हैं लेकिन काम कौन करता। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ऐसे कितने करोड़ मकान है जो मोदी जी ने महिलाओं के नाम से दिए, महिलाओं को मजबूती देने के लिए उनके नाम से वो आवास आवंटित किए। बातें बहुत सारी हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि मोदी जी के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त की जरूरत क्या है। इस वक्त में सही निर्णय नहीं लेंगे तो हमारा हो सकता है मोदी जी की सरकार तो 400 या 420 पे भी चली जाएगी, 400 से आगे चली जाएगी, लेकिन हमारे शहरों का क्या होगा, हमारे इस इलाके का क्या होगा, हमारे क्षेत्र की जनता का विकास का क्या होगा। जब तक हम कड़ी से कड़ी नहीं मिलाएंगे तब तक ये काम बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जनता का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय विधायक, हालांकि मुझे ये कहना पसंद नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ जनता के विधायक, मैं जनता के विधायक हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती हूँ अपनी जनता के लिए। इस जनता का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, मेरे देश का गौरव बढ़े, मेरे देश का मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ बैठा हर भारतीय, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर वो सच्चा हिंदुस्तानी है तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा और मजबूती से खड़ा रहेगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस मैं यही चाहती हूँ कि अपने देश का मान सम्मान बना रहे, अपने देश का गौरव बना रहे, हम रहे या ना रहे, मेरा देश हमेशा बना रहे। और उसी संकल्प के साथ आप सबको फिर से एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और आशा करती हूँ कि हम सब मजबूती के साथ